अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। आज तो बहुत लेट चालू हो गया, पता नहीं कैसे हो रहा, ठंडी का मौसम आ गया है तो सुबह सुबह मैं कर ले रही हूँ, या तो फिर दोपहर का खाना ना सब हो जाता है, उसके बाद में नींद लग जाती है। और थोड़ा सा सोई थी, आज मंगलवार है तो इस समय में गई थी, सुबह से आ गई थी मैं 5 बजे की असर की नमाज़ भी, उसके बाद में बच्चों का आने के लिए बजा रहता है ना टाइम, जैसे आधा पौना घंटा रहता, जब तक तो मैं लेट जाती, लेटती तो नींद ही लग जाती है, ऐसा हो गया। तो आज इस समय में गया तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और अपना क्या कहते हैं, हम सब जितनी भी बड़ी लेडीज हैं उन सबको भी नाच गाने का मौका मिलने वाला है अभी मेरी 6 तारीख। राजी ने बोला है कि जितनी भी लेडीज हैं सब लोग कोशिश करो कि वो लोग भी नाच गाएं, ताकि मतलब लगे ना कि हम में भी ये चीज़ है। जैसे भी नाच गाने का मन तो करता है समय में जब जाते हैं, लेकिन है ना नहीं गाते, सोचते अरे कैसा होगा, करे कि नहीं करे, ऐसा मतलब एक कन्फ्यूज़न रहता है। तो पता नहीं बाजी ने भी बोले कि कंपलसरी है सब आना ही, और उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना। तो अभी सबने नाम तो लिखा है, मैंने भी लिखा दी, देखते हैं क्या होता है ऐसा है। तो मेरी बन रही है चाय, चाय 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 बन रही है, और शाहिन आज खाना बनाने वाली है। आई मीन उसने बोला है कि वो क्या, कौन सा बना रही शाहिन? चंगेजी चिकन, चिकन चंगेजी, हाँ ऐसा, तो वो बनाने वाली। मैंने तो कभी नहीं बनाई है, उसने उसको रेसिपी पता है, उसने देखा है, तो वो बोल रही कि मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी देख लेना कि वो क्या रेसिपी बनाती है, मैं बताऊँगी जब वो स्टार्ट करने वाली होगी, ऐसा है। तो अभी तक मेरी गौहर नहीं आई है, शाहिन अभी कॉलेज से आई है, उसका पेपर माशाल्लाह अच्छा गया तो वो खाना खाने बैठ रही है, तो फिर से वो खा के नहीं जाती है ना कुछ भी, सिर्फ उसने एक टैंक का गिलास पिया था और फिर चली गई। और आयाज देखो, आयाज वालेकुम सलाम। अभी तक मेरी बच्ची नहीं आई गौहर, आई नहीं, अभी इसको लेट होता है, क्या होता है, कल उसका भी कहीं जाना है उसको भी, लेकिन देख क्या करेंगे देखते हैं, ऐसा है। तो जो बाजी है उसने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया, स्टोरी भी बताया हमारे नबी के टाइम की स्टोरी। तो अबू बकर हमारे जो थे पैगंबर, तो अबू बकर जो हमारे पैगंबर थे, अजान हो रही है तो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको स्टोरी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई स्टोरी, रियल है वैसे भी तो रखती नहीं है। चलिए अजान हो रही है थोड़ी देर बाद। तो अजान हो चुकी है, मेरी चाय भी हो चुकी है, पर घर को आने के लिए टाइम है, तो मैं जब तक ढाक देती हूँ। आयाज आज फिर पेरू लेकर आया था, बड़ा पेरू था ये, मैंने खाया बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा है, तो बाजी ने जो हम लोगों को बताए थे स्टोरी, बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, जो हमारे अबू बकर पैगंबर है उनके बारे में थी। तो सबसे पहले बाजी ने बताया उन्होंने ही कलमा पढ़ा था, सबसे पहले अबू बकर है पैगंबर जो, उन्होंने ही हमारा जो कलमा है वो पढ़े थे। और मतलब उनका जो नाम है, अब जब बोलते कयामत में जब सबको उठाया जाएगा जो लोग जा चुके हैं, तो हमारे नबी भी जब उनको भी पुकारा जाएगा, जब वो भी आएंगे बाहर, तो उनके साथ में अबू बकर होंगे। इतनी अच्छी बात है ना, मतलब अबू बकर जो हमारे पैगंबर थे उनसे वो बहुत प्यार करते थे हमारे नबी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला ही था कि जहाँ भी मैं होऊंगा, जैसे भी होऊंगा, अबू बकर मेरे साथ होगा, चाहे मैं इस दुनिया में होगा या फिर जन्नत में होगा, तो अबू बकर मेरे साथ होगा, ऐसा बोले थे हमारे नबी ने। तो बाजी ने किस्सा ये वाला बताया कि जब जंग छिड़ी थी, नॉर्मली जंग तो देखो होती रहती थी हमारे नबी के टाइम पर, जब थी जंग तो उसमें सब लोग गए थे, बहुत सारे पैगंबर थे, बहुत सारे सवाबी थे, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची, जैसे छोटी बच्ची को किसी ने पूछा, जैसे थी मतलब गौर से छोटी, जैसे होगी 7 साल 6 साल की लड़की, तो उसको पूछा कि तुमको कौन पसंद है, शायद गौर आई है। वालेकुम अस्सलाम, मैं इसको कपड़ा दे देती हूँ फिर बात। तो शाहिन अभी कहो कपड़ा चेंज कर रही है, अरबी जाएगी ना अभी थोड़ा नाश्ता करती है, तो कभी कभी बच्चे ऐसे ही भाग जाती है। तो 6 साल की एक लड़की थी, तो उससे किसी ने पूछा कि तुमको क्या पसंद है, तुम्हारे अब्बा पसंद है या फिर तुमको शाम पसंद है, मतलब जो शाम होती है। तो बच्चे ने कहा कि शाम पसंद है मुझे। तो बोले क्यों? तो बोले
अब्बा आते हैं शाम को तो खिलौने लाते हैं, और जब खिलौने लाते हैं तो साथ में अब्बा भी आते हैं। तो मतलब बच्ची का बोलना था कि मेरे अब्बा आते हैं, मतलब उसको अब्बा सुबह जाते हैं, अब्बा रात शाम को आते हैं, तो मतलब कितनी खुशी होती है, वह ऐसा बोलती बोलना चाहती थी। तो जंग जब छिड़ी तो जंग ख़त्म हो गई, सब जंग से लौट रहे थे। तो जब सब लोग घोड़े पे बैठकर आते थे ना, तो सब लोग घोड़े पे बैठकर आ रहे थे, तो बच्ची छोटी से बच्ची अभी जब उन लोगों को कुछ बोलना चाहिए तो उन लोग के हाथ तो नहीं मिलेंगे पकड़ने के लिए, जिससे भी बात करेगी वो पैर पकड़ के बोलती थी, बोलती थी सलाम कोई तो हमारे पैगंबर थे, उनका मैं नाम भूल गई एक्चुअली, तो उनको पूछ पकड़ के पूछी क्या अपना अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू अभी तक आए नहीं। तो उन्होंने उसको देखे, उन्होंने पहचान ली कि किसकी फलाने की लड़की है, लेकिन वो तो जंग में शहीद हो चुके हैं। बोले वो तो शहीद हो गया है, अब मैं बच्चों को क्या बोलूँ, इतनी छोटी से बच्चे अगर मैं बोलूँगा तो वो बहुत रोने लगेगी, उसके अब्बू का इंतज़ार कर रही है वो। तो बोले बेटा जो पीछे आ रहे ना लोग उनसे पूछ लो, ऐसे बोल के वो चले गए। बाद में दूसरे पैगंबर आए, उनसे लड़की ने वही पूछी, बोले अस्सलाम वालेकुम चाचा मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू अभी तक आए नहीं, वो कब आएंगे। तो उन्होंने भी पहचान ली कि किसकी लड़की है, और उन्होंने भी सोचा वो तो शहीद हो चुका है पूरा, मतलब उसका बॉडी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अब मैं बच्चों को कैसे बताऊँ कि उसके अब्बू नहीं है दुनिया में अभी। फिर उन्होंने भी बोले क्या बेटा जो पीछे आ रहे हैं ना उनसे पूछो। फिर तीसरे टाइम में हमारे अली पैगंबर थे, उनसे पूछी कि अस्सलाम वालेकुम चाचा मेरे अब्बू कहाँ है, मेरे अब्बू अभी तक नहीं आए, वो कब आएंगे। तो उन्होंने भी पहचान लिए, उन्होंने बोले कि तो उनकी बच्ची है तो मैं कैसे बताऊँ, वो तो शहीद हो गए हैं। तो वो बच्ची बहुत रोएगी, बहुत बुरा तकलीफ होगी उसे। तो बोले बेटा जो पीछे आ रहे हैं ना उनसे पूछो, वो चले गए। फिर अबू बकर थे हमारे जो पैगंबर, अबू बकर पैगंबर जो थे वो आ रहे थे, तो बच्ची ने उनका पैर पकड़ी और अस्सलाम वालेकुम चाचा मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे अब्बू अभी तक आए नहीं, वो कब आएंगे, ऐसा करके बच्ची उनसे भी पूछी। तो उन्होंने नहीं पहचाने, अब ये ज़रूरी नहीं होता ना हर कोई पहचाने हर किसी को, तो उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने सोचा पता नहीं किसकी बच्ची होगी। तो बोले देखो बेटा वो जो पीछे लोग आ रहे हैं ना, देखो उसमें तुम्हारे अब्बा भी आ रहे हैं। उन्होंने बस इतना बोल दिया, देखो जो पीछे लोग आ रहे हैं ना उसमें तुम्हारे अब्बा आ रहे हो, देखो तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, ऐसा बोल के वो चले गए। तो सब जन आए तो बच्ची देख रही इधर उधर इधर उधर, देखी ना तो एक घोड़े पर उसके ही अब्बा आ रहे थे। अब बताओ कितनी शॉकिंग वाली बात है, क्योंकि उसके अब्बा तो जा चुके, शहीद हो गए, सभी बोल रहे थे कि शहीद हो गए। सब लड़की को देखे उसके अब्बा को जाके गले मिली अब्बू करके, और लाड़ करी, दोनों एक दूसरे को लाड़ कर रहे हैं। तो सब शॉकिंग हो गए, जितने भी स्वाभाविक थे वहाँ पे, सब शॉकिंग हो गए। बोले अरे ये क्या हुआ, ये तो मर चुका था, ये तो शहीद हो गया, इसकी तो पूरी जनाजे की इसकी नमाज पढ़ानी बाकी थी, और पूरी की जो बॉडी के टुकड़े हो गए थे, तो ये कैसे जिंदा है। तो ये लोग हमारे नबी के पास गए, सब लोग जहाँ नबी है, नबी भी इस्तेमाल किया करते थे, तो वो बैठे थे। तो ऊपर जाके बोले कि नबी ऐसा ऐसा हुआ, ये तो आदमी शहीद हो गया था और वो जिंदा होकर आ गया, हम सब शॉकिंग, ये कैसे हुआ। तो नबी को तो सब कुछ पता था हमारे, और इस ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है और आसमान के ऊपर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, एटोजेट उनको पता था। तो उन्होंने बताया कि अरे जब सबसे वो बच्ची पूछ रही थी कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, अब्बू कहाँ हैं, तो सब ने बोले कि देखो पीछे आया, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। लेकिन अबू बकर ने जो बोले कि भाई वो देखो तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, और देखो तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, तो जो आ रहे बोले ना, तो अल्लाह पाक, मतलब अल्लाह पाक उनकी मुंह से निकली हुई बात, अबू बकर के मुंह से निकली हुई बात, वो कभी उसको वो नहीं करते, रद्द नहीं करते। उन्होंने वो बात को पूरी करी, जैसे वो आदमी की जो बच्ची के जो अब्बा चले गए थे, जैसे वो उनकी रूह उनके पास आए थे अल्लाह पाक के पास, वो रिटर्न उन्होंने रूह को भेजी और वापस वो बॉडी में गई, बॉडी पूरी ठीक हो गई, और बोले चल जा तेरी बेटी आ रही है तुझे लेने, और वो घोड़े पर बैठ के वो लड़की का अब्बा आ गया। तो अरे अबू बकर के मुँह से जो निकली हुई बात अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करते। तो इसलिए ये बोलने का मतलब था भाजी का कि उनमें इतनी ताकत और इतनी पावर थी, अल्लाह पाक तक उनसे इतनी प्यार मोहब्बत करते थे, हमारे नबी मोहब्बत करते थे, सब थे, सब सवाबी सवाबी जो थे, सब अपने अपने मुकाम पर परफेक्ट थे। तो इनका भी नाम लिया जाता है, इन्होंने ही सबसे पहला दुनिया में कलमा पढ़ा था, तो इनका भी है। तो गौर चले गए अरबी, तो उनके मुँह से निकली हुई बात अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं करते। जो वो बोलेंगे ना, मतलब उन्होंने बोल दिए ना कि वो तेरे देख अब्बा आ रहे हो, जो लोग आ रहे हैं ना, देख तेरे अब्बा आ रहे हो, देख तेरे अब्बा आ रहे, मतलब उन्हें आ रहे, मतलब वो आना ही था ऐसा। तो अल्लाह पाक बोले मैं उनकी बात कभी रद्द नहीं करता अबू बकर की, तो इतना उनका मर्तबा है। तो कभी कल 5 दिन पहले उनका जो विसाल हुआ था, तो उनके फातिया थी, तो बाजी गए बार बोले थे मंगलवार में, मैं नहीं जा पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी,
तो फातिया कराना था, फातिया करते उनका उनका था वो दिन सब ये बताया। फिर बोले कि सब लोगों को अगले महीने की 6 तारीख को नात गानी है, तो वही मैं नात का सोच रही थी मैं कौन सी नात गाऊँ, क्योंकि ऐसे घर में तो गुनगुनाना अलग बात होती है, लेकिन जाके महफिल में गाना वो अलग बात है। बाजी बोले 2 लाइन 3 लाइन गाओ, भले 2 या 3, लेकिन सबको कंपलसरी है, सबको गाना है, सबको बोलना है ऐसा। तो मैंने सोचा कि मैं ये गाऊँ, हसबी रब्बी सल्लल्लाहु माफ़ी कर भी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह, हसबी रब्बी सल्लल्लाहु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मालिक मेरे खुदा तू ही मालिक अर्ज समा, तू है मालिक रोज जजा, मैं हूँ शराफा जुल्म खता, बस इतनी है ये दुआ, वक्त नजाकत आए मेरा लफर बस हो एक सदाला इलाहा इल्लल्ला। तो मैंने ये वाली नात अभी गाई, और एक हसनैन के नाना जो है हसनैन के नाना, ओ हसनैन के नाना, तो ये वाली ऐसा मेरी प्रैक्टिस चल रही है, देखो भी क्या होता है कौन सा वाला फाइनल होता है। और ये सब बोले भाजी ने, चलो अभी मैं जाती हूँ बाज़ार, और चाइन को बनाना है चिंगारी चिकन, क्या नाम तो बोली थी उसने, वो चिंगारी चिकन ऐसा कुछ नाम है, तो उसका मैं लेकर आती हूँ जाके, फिर वो बनाएगी तो मैं आपको बताती हूँ उसकी रेसिपी, ठीक है चलिए। और हाँ मैंने तो चाय नहीं पी, मैं चाय भी पी लेती हूँ, चाय मेरी चाय, चाय बिना तो काम नहीं बढ़े काम अधूरा रह जाए, चाय बिना तो काम नहीं बढ़े काम अधूरा रह जाए, 2 घूंट मार लो ताकत आ जाए। और शाहिन ने यहाँ पर रख दिया है मैरिनेशन करके, चिकन के अंदर डाला है दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट और दही, ये सब तो मैंने बोला है वो डाला है। और उसने बोला अभी आधे घंटे के लिए इसको रखना है, सब वो घर के जा चुकी है, मतलब वो तो नमाज़ पढ़ने गई है, जब तक मैं कांदे को सिर्फ कर रही हूँ छोटे, और ये कांदा लाल हो जाएगा तो उसके अंदर बाद में शाहिन डालेगी, वो मुझे बता कर गई है जब तक वो नमाज़ पढ़ रही है, तो काजू डालेगी इसके अंदर जब तक ये लाल नहीं हो जाता, ये थोड़ा लाल हो जाए। तो इसका नाम है ये रेसिपी का चिकन चंगेजी, भाई क्या क्या नाम होते हैं मुझे तो पता ही नहीं, तो चलिए देखते आगे क्या करेगी। तो कांदा होने आ गया है लाल, अभी नॉर्मल ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसमें जो काजू है ना वो डाल देते हैं इसके अंदर, ज़्यादा भी डाल सकते हैं कम भी डाल सकते हैं अपने ऊपर है, इसके साथ में भी इसको भी थोड़ा भून लेना है, तो मैं सिर्फ इतना ही कर रही हूँ, इसे भूनूंगी बाद में इसके आगे का जो प्रोसेस है वो शाहिन आपको खुद बताएगी, थोड़ा सा मतलब काजू है वो भी भून जाए, थोड़ा थोड़ा सा लाल लाल मस्त हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा ब्राउन तो इतने सो ही जाएगा। मैरिनेशन कर रही थी इसने, अभी इसको करने जा रही है फ्राई, जिसमें मैंने कांदा फ्राई किया ये सब शाहिन ने बता के गई थी वैसे ही, और अब शाहिन करने जा रही है, और टमाटर भी शाहिन ने कट कर रही है, क्या बनाएगी प्यूरी, प्यूरी बनाएगी और अभी इसको कर रही है फ्राई, फ्राई करने देते हैं। तो शाहिन ने कर दिया है चिकन फ्राई, ये इतना कर दिया अभी, हो गया ना इतना, अभी क्या करने वाली है, अभी इसका और इसका प्यूरी बनाऊंगी। अच्छा और ये निकाल के रख रही है, चलिए अभी प्यूरी बना लेगी शायद, इसके बाद में आगे का प्रोसीजर ये दोनों होने के बाद। तो हमने पीस लिया ये जो कांदा और काजू था वो, और टमाटर की प्यूरी बना ली है, अब ये फ्राई करके रख दिया, अभी तेल डाला उसी कढ़ाई में थोड़ा सा, और अभी डालेंगे शाहिन अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी शाहिन ने टमाटर की प्यूरी डाली,
अभी इसको थोड़ा भुनेगी ना। हाँ अभी क्या डाल रही है? कांदा और काजू का पेस्ट। अच्छे से पूरा पानी डालो, डाल के उसमें निकाल। अच्छा इसको पकाना है, कितनी देर कुछ पकाना है, क्या है? थोड़ी देर पका। अभी डाल रही है चिकन मसाला, हरी मिर्च भी डाले हम लोगों ने, अच्छी भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, और डालो अभी। बस ये ज़्यादा लाल लाल मतलब डार्क डार्क हो जाए वो डालो बॉर्डर, वो भी उतना ही जितना भी ये डाली। थोड़ा और डाल दूँ क्या? थोड़ा से बस, हल्दी डालना है। चलो ठीक है, मिक्स करो थोड़ी सी थोड़ी सी। थोड़ी पक गई थी, उसके बाद हम लोगों ने जो चिकन था वो इसमें डाल दिया। पानी वगैरह और नहीं डालना है? नहीं, इसी में पकेगा, बहुत ज़्यादा घट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ बाद में डाल देंगे पानी इसमें। तो अभी इसको फास्ट पे रखेंगे, नमक वगैरह हम लोगों ने चेक कर लिया है, अभी अपने आप थोड़ी देर पकेगा, जैसे 5 मिनट, उसके बाद ये हो जाएगा। चंगेजी है और रेडी हो चुका है, ये लुक आया है, इतना गाढ़ा बना है ये, माशाल्लाह मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो देखिए ऐसा है इसका लुक। तो चलिए अब मिलते हैं इसके खाना खाने के बाद। वैसे तो मैंने राइस चढ़ाया है, राइस हुआ नहीं मेरा, उसके बाद चलिए अब तो फाइनल पक चुका है ये। हाँ हम लोगों का खाना हो चुका, शाही ने बनाई थी चिकन चिंगारी, क्या चिकन चंगेजी, मैं खुद भी नाम भूल जा रही हूँ एक्चुअली। तो शाही ने बनाई थी, शाही थोड़ा आवाज़ कम करूँ कर। तो बहुत अच्छा बना था हम लोगों का, देखो खाना खा कर हो गया, अभी उठाना बाकी है, अभी आयास खा रहा था वो, कुछ लेने गया पानी वगैरह। हाँ तो उसका बच्चा वो खा रहा है वो, तो हम लोगों का तो हो चुका और बहुत अच्छा लगा मुझे, टेस्टी लगा बहुत ही मतलब स्वादिष्ट, क्योंकि मैंने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई थी। मैं तो अपना नॉर्मल वाला चिकन का सालन वही बनाती, कभी खोरमा बना लेती, कभी कुछ और, तो अच्छा लगता है वो खाने में, मज़ा आता है। हाँ शाही ने बोली, शाही ने एक बार पहले भी बनाई थी चिकन, क्या बनाई थी, बटर चिकन, वो भी अच्छा बना था, ये भी अच्छा बना माशाल्लाह। तो आज की रेसिपी यही थी, आप कैसी लगी रेसिपी आप लोग ज़रूर बताना मुझे। और एक बात हाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ मेरी शाहीन है ना, मतलब जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना, वहाँ पर शाहीन और गौहर, शाहीन को कुछ काम था घर में जाना था, जहाँ पर वो लोग खत्मे कादरी पढ़ाने वाले हैं, तो उसकी बारे में बात करने जानी थी, तो वो गई थी। तो वहाँ की कुछ औरतें हैं, एक औरत है काली, उसको मुझे इसका नाम नहीं पता, इसके लिए सब लोग उसको काली काली बोलते पीछे से, बटली काली ऐसा बोलते, लेकिन मैं भी उसका इंट्रोडक्शन ऐसे कराऊँ क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता। और वो उसकी माँ है काली। तो ये लोगों ने ना शाहीन और गौहर को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे, शाहीन को मतलब तेरी माँ ऐसी तेरी माँ वैसी मेरे को लेकर बोल रहे। मैं तुझे एक बात बोलना चाहूँगी कि बोलना है ना तो तू मेरे दरवाजे पे आकर मुझे बोल, जो भी बोलना। बच्चों को देखकर तुम लोग शेर बन गए, तुम लोगों को लगा कि भाई बच्चों को हम लोग बराबर कर देंगे, माँ तो इधर है नहीं, क्योंकि जब तक मैं वहाँ थी ना तो ये लोग है ना कभी कुछ नहीं बोले, हालांकि वहाँ पर थे तब का गुस्सा लोगों ने आज निकाले, बताओ इतना मतलब इन लोग इतने बेकार टाइप के बन गए इतने। और जो लोग हम लोगों को वहाँ पर जो एक दो घर जो जानते हैं, तो वो लोगों ने भी उनका सपोर्ट करे, उनके सपोर्ट में आकर ही बोल रही है वहाँ पर भी एक औरत कि भाई हाँ तेरी माँ तो बोलती है, तो भाई वो वाकई में काली, इसके लिए लोग काली बोलते हैं ना। मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अपने इस्लाम में अल्लाह पाक ने सबको बनाया, सबको किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को बटला बनाया, किसी को लंबा बनाया, हम किसी का नाम नहीं रख सकते, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता, उसको सभी लोग काली बोलते, तो मैं भी काली बोलती हूँ। अब उसको नहीं पता कोई लोग काले बोलते तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे तो मेरे सामने जब भी उसका बात होता था इंट्रोडक्शन उसका काली करके बोलते थे, तो मैं क्या करूँ अभी। मैं 5 साल में वो औरत से कभी बात भी नहीं की, क्योंकि मुझे उसका कैरेक्टर बहुत ख़राब लगता था, और उसकी बेटी का कैरेक्टर भी मुझे बोला गया था कि मतलब नहीं है ऐसी जाना, तो किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बट इसलिए मैं बात नहीं करती थी कि मैं क्या बात करूँ, ऐसे लोग से बात करते हैं ना एक्चुअली हम लोग, तो हम लोग भी उनकी गिनती में ही आ जाते हैं, इसलिए मैं बात नहीं करती थी। तो आज लोगों ने मेरी गौहर को शाहीन को रुला डाले। देखो मैं तुम लोगों को नहीं बोलूँगी आकर, तुम लोगों को हिम्मत है तो तुम लोग मेरे दरवाजे में आकर बोलना। और दूसरी बात है ना, तुम लोग जो भी मेरे बच्चे लोग वहाँ पर बुरा भला बोले, तीन जन थे मेरे को सुनने में मिला, तो वो तीनों भी ना मैंने तुम लोगों को ना अल्लाह के सहारे छोड़ दिया, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, जो भी होगा ना तुम लोगों को अल्लाह पाक देखेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम लोगों को कुछ करूं।
तो मैं अल्लाह के भरोसे छोड़ दी, अल्लाह पाक जो करेंगे ना तुमने के साथ में बहुत बेहतर करेंगे। अल्लाह पाक का ये वादा है, अगर तुम बंदे को सताए, किसी भी बंदे को, मेरे बंदे को सताए, सताया किसी ने, तो अगर उसने जवाब नहीं दिया ना बंदे ने, वो सुन के ले लिया, तो उसका जवाब मैं दूंगा, और ऐसा दूंगा कि सामने वाला याद रखे, अल्लाह पाक बोलेंगे हमारी तरफ से। तो देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं वीडियो में इसलिए उन लोगों का नाम लेकर मैंने बोला क्योंकि उन लोगों को पता चले, क्योंकि लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। और देखो तुम लोग है ना, जैसे तुम लोगों को लगता है कि मैं वहाँ पर आकर बोलूँगी या मैं वहाँ पर आकर नहीं बोल सकती, मुझे नहीं गिनना एक्चुअली वो जहाँ पर तुम लोग रहते हो ना, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरी गली ख़राब थी, वहाँ की सब अच्छे थे, गुजराती लोग एकदम एंडिंग में अंदर गुजराती लोग रहते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा रहते बहुत अच्छे हैं, ये कुछ दो चार घर है जिस घर का जो डायरेक्शन मैं बोलूँगी तो वो गटर है। गटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उनके मुंह से निकलने वाले हर एक अल्फाज गटर है, और बाकी कुछ बोलते ना, एक अगर बोलने आता था ना तो चार पांच घर से और लोग निकल जाते थे बोलने के लिए, ऐसा है। तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, जब किसी से मैं बात नहीं कर रही हूँ ना वहाँ पर, तो मैं अभी बता रही हूँ मैं क्यों नहीं बात करती थी, क्योंकि वो लोग मुझे कैरेक्टर लेस दिखते थे, इसके लिए मैं बात नहीं करती थी, मुझे नहीं पसंद आता था बात करना। और जिसे मैं बात करती थी ना, तो वो लोग मुझे अच्छे दिखते थे, उनका नेचर अच्छा लगता था, उनकी बातचीत अच्छी लगती थी, लगता था हाँ भैया फैमिली वाले, इनसे बात करना चाहिए, वरना कुछ लोग हैं जो फैमिली वाले भी हैं बट कैरेक्टरलेस। तो आज ये सब किस्सा हुआ। देखिए मैं, आप लोगों को लगेगा मैं थोड़े गलत अल्फाज यूज़ कर रही हूँ, पर क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ, और कोई भी माँ से आप पूछिए कि उसके बच्चों के बारे में अगर उनको अकेला देख कर जब घेर लेते हैं तो वो वहाँ पे क्या बीतेगी, जब उसके बच्चे रोते रोते घर पर आएंगे। मेरी शाइन कभी नहीं बोलती, उसके मुँह से कभी गलत अल्फाज नहीं निकलता है, लेकिन आज वो रो रही थी ना, मैं, मुझे पता है जब मेरे बच्चे मेरे सामने के रोते को उनका दिल दुखाता ना, कितना कंट्रोल करके बैठती हूँ। बहुत सी माएँ दुनिया में, करोड़ों माएँ, सबका यही हाल है कि उनके बच्चों को कुछ बोलता है ना, और माँ लोग नहीं चाहती वहाँ लड़ने, तो लोग कंट्रोल किस तरह करते हैं आप लोगों को पता होगा। और मैं वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन लोग तक पहुँचे ये बात, और मेरी बात सुनकर अगर इन लोगों को लगेगा ना कुछ कि भाई मैंने गलत बोली, तो मुझे अंबारी में तुम लोग पकड़ सकते हो। क्या बोलना चाहते हो मुझे बोलना, तो मैं भी रेडी रहूँगी, तुम लोग भी रेडी रहना, है ना। तो चलिए, इन बेकार लोगों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, आज दिल तो बहुत दुखा इन लोगों की वजह से, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, थोड़ा सा बोली मैंने वीडियो में, वहाँ जाके नहीं बोली। तो चलिए, आज की रेसिपी कैसी लगी शाइन की, मुझे लाइक शेयर, मुझे सब उसमें बताइए ज़रूर कमेंट्स में, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और बताइए कि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊँ, या फिर अच्छे बुरे लोगों के बारे में आप लोगों को थोड़ा नॉलेज दूँ जितना मुझे है, आप लोग कैसे परख सकते हैं सामने वाले को, और क्या जजमेंट लगा सकते हैं आप लोग के, वो आपके साथ में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हो, किस तरह रहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज हो चुका है अपने इतने पूरे जर्नी में, ठीक है। तो चलिए, अपने दुआ में मुझे याद रखिए, मैं अपना आपको अपने दुआ में बेशक याद रखूँगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, खुश रखे, महफूज रखे, अल्लाह हाफिज़।